दाने की रेट भी पता कर लेते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी में दाना भी पड़ा हुआ है। तकरीबन हर परिंदे का मैंने देखने में नज़ारा है, कंगनी पड़ी है और कनेरी सीड भी पड़ा हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह से। मुर्गियों की भी तकरीबन हर नंबर की जो सीड है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐसे में थोड़े से बिजी हैं, ये इनके भाई हैं यहाँ पर उज़ैर भाई। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये माइक पकड़िएगा और हमें साथ साथ जो है सारी दाने के बारे में बताइएगा भी सही और इनकी कीमतें भी बताइए। ठीक हो गया, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट लेते हैं? ठीक हो गया, ये आ जाता है कि हमारा पहला जो है बगैर बाजरे के दाना तोतों के लिए, जो कि होते हैं ऑस्ट्रेलियन लॉबर्ड्स और कोकेल के लिए। ठीक हो गया, इसके रेट की मार्केट में 180 रुपए चल रहे हैं इस टाइम, आपके व्यूअर्स के लिए होगा 170 रुपए किलो। ये 170 रुपए किलो, 180 रुपए लेते हैं। इसके साथ आ जाता है जी बाजरे वाला दाना, ये भी सेम ऑस्ट्रेलियन लॉबर्ड्स कोकेल मतलब जिनके बाजरे खाते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसका रेट 160 है, 150 रुपए पड़ेगा आपको, 150 रुपए पर केजी के पर केजी के हिसाब से। जबरदस्त, और इसके साथ आ जाता है कि एंड पे मिक्स, इसमें लाल चीनो और वाइट चीनो होता है। ये खाली चीना है जावा के लिए जो लोग बनवाते हैं ना, इसमें फिर ब्रेक कंगनी और साथ में मुंजी ऐड करके ना जावा का आपका बन जाता है, नहीं तो जो तेल के बच्चे वगैरह निकलते हैं फिर लोग ये यूज कराते हैं। इसके रेट 190-180 रुपए किलो पड़ेगा, ये 180 रुपए किलो। और इसके बाद आ जाता है कि हमारा अफ्रीकन ग्रे रॉ रिंगनेक का दाना। अच्छा, ये मिक्स दाना हम खुद बनाते हैं, वरना इसके साथ के जो है पिंडी से भी बना हुआ आ जाता है, लेकिन उसमें बाजरा वगैरह इस तरह की चीज़ें मिक्स होते हैं जो कि ज़्यादा ज़ाया जाता है। इसमें क्या कुछ ऐड हुआ है? इसमें हमने डाला है कि छोटी सूरजमुखी है, ईरानी सूरजमुखी, भंग है, ज्वार, कुरतुम और जवी और मकई का जो है दलिया इसमें मिक्स है। इसका रेट 260 रुपये, ये पड़ेगा आपको 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। और इसके बगैर आ जाते हैं जी, इस कंगनी से स्टार्ट लेते हैं, लाल कंगनी आ जाती है, ब्रेक कंगनी जो कि आपकी फिंच के लिए जावा लॉबर्स ऑलमोस्ट सारे बास के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि ये गर्म होती है ना तो ये सीज़न में यूज़ होती है। इसका रेट जो है 260 रुपये, ये पड़ेगी 250 रुपये किलो, 250 रुपये। और इसके साथ आ जाते हैं जी फिंच के लिए जो कि आपकी इस्तेमाल होती है देसी कंगनी, ब्रेक कंगनी जिसको लोग कहते हैं। जी, इसका रेट थोड़ा सा बड़ा है, पहले 250 रुपए दे रहे थे, 260 रेट था, अभी जो है 280 रुपए पड़ेगा ये आपको, 280 रुपए। माशाल्लाह दाना सारा बिल्कुल साफ सुथरा है, अल्हम्दुलिल्लाह दाना बिल्कुल। और इसके साथ आ जाते हैं गोल कंगनी, ये भी आपके लॉबर्स गोल्डन जावा वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका रेट जो है 380 रुपए किलो, लेकिन 370 रुपए खा देंगे आपके व्यूअर्स के लिए। इसके बाद कनेरी सीड, इसका तो काफी आपके व्यूअर्स का आइडिया होगा, इसका सीजन की आइटम है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और इसका रेट भी बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम थोड़ा ऊपर चला गया है, 580 पे चला गया, लेकिन पहले 550 भी दे रहे थे, 560 कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका रेट बढ़ गया अभी। अच्छा, तो अभी 560 हो जाएगी, 560 रुपये हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आ जाता है जी ईरानी सनफ्लावर आ जाता है, बड़े बार्स के लिए यूज जो करते हैं, जो मिक्स दाना नहीं खाते ज़ाया करते, तो रॉ वगैरह के लिए और बड़े बार्स के लिए, वरना जो है हमारे चाइनीज खाने के लिए भी लेके जाते हैं ये। इसका जो है रेट 500 रुपये किलो है, 500 रुपए किलो जी। और इसके बाद आ जाती है मुंजी, जो कि जावा के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है, इसका रेट 130 से 120 रुपए किलो पड़ेगा। साथ में आ जाता है जी कुरतुम, जो कि एंटीबायोटिक होता है, लॉबर्ड ज्यादा शौक से खाते हैं, बड़े बर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, कबूतरों के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका 250 रुपये रेट है, 240 रुपये किलो पड़ेगा, लेकिन आपका व्यूअर्स बताएगा कि जो है चैनल पर हमें ये रेट बताया, क्योंकि हमारा जो रेट है इतना हम मार्केट वाला ही बताएंगे। जबरदस्त हो गया, जजाकअल्लाह उज़ैर भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीज़ें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल मुर्गियों का कुछ कवर कर लेते हैं, फीड वगैरह थोड़ी सी मुर्गियों ऐड करा देते हैं ताकि जो है आपकी वीडियो भी ज़्यादा ठीक हो। ये आगे जी हमारे 13 नंबर फीड। अच्छा, इसमें दो क्वालिटी होती है, एक इस्लामाबाद और ये जो है नेशनल है। अच्छा, इसमें इसका रेट 100 रुपये होता है, इस्लामाबाद फीड इस टाइम 150 रुपये किलो है, वो पड़ेगी आपको 130 रुपये किलो, 130 रुपये किलो, वो भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है। और इसके बाद आ जाती है 14 नंबर, ये भी नेशनल है, इसमें इस्लामाबाद भी मिल जाएगा, इसका 150 रेट है, 140 रुपये किलो पड़ेगी, इसका 100 रुपये मिलेगा, इस्लामाबाद फीड 140 रुपये पड़ेगी, ये 100 रुपये किलो है, नेशनल फीड जो है 100 रुपये किलो है, कोई भी ले लें 3, 4, 13, ये सारे नंबर मिल जाएंगे। मिक्स आ जाता है देसी दाना मुर्गियों के लिए, इसमें मुर्गियों के लिए, कबूतरों के लिए, इसमें दालें, चावल, गंदम, मकई, बाजरा और कुछ 13 नंबर फीड भी इसमें मिक्स है। इसका रेट जो है पहले 110 था, अभी कम होकर 100 रुपये हो गए, लेकिन कुछ चीज़ों के दोबारा रेट बढ़ गए, आगे देखने क्या होता है, फिलहाल जो है 100 रुपये किलो इसका रेट है। और इसके बाद आता है कबूतर दाना, इसमें आपका ज्वार होती है, दालें होती है, सूरजमुखी, खुरतम, गंदम का बाजरा, इसका रेट 130 मार्केट में है, 120 रुपये किलो पड़ जाएगा ये आपको, 120 रुपये किलो। सेम इसके साथ आ गया गंदम का बाजरा, जो कि मुर्गियों के लिए, आम परिंदों के लिए और कबूतरों वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इसका रेट 100 रुपये ही है,
ये भी 100 रुपए की, 100 रुपए। और इसके साथ कुछ अलग चीजें मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि इसका रेट इस वजह से महंगा हुआ, जो दलिया मकई है इसमें 90 रुपए किलो है। अच्छा, और इसके साथ इसमें मिक्स होती है गन्ना में, इसे 40 रुपए किलो इसका रेट अभी चला गया है। और साथ में बाजरा आ गया, 100 रुपए रेट चल रहा है, इसमें बाजरा जो है आपको 90 रुपए किलो मिल जाएगा। लेकिन आगे देखेंगे चना आ गया कबूतर के लिए, जो कि आपका सबसे ज्यादा यूज होते हैं जी, वैसे साउथ फूड में भी लोग इस्तेमाल करते हैं दो वगैरह के लिए। इसका रेट इस टाइम 220 है, 210 रुपए किलो हो जाएगा। 210 रुपए लोबिया वगैरह भी पड़ा हुआ है, लोबिया नहीं रखते, लोबिया की जगह सोयाबीन हमारे पास आता है, सोयाबीन सबसे बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसका क्या रेट चल रहा है? 320 रुपए का, 320 रुपए का, जबरदस्त हो गया। ठीक हो गया, तो उज़ैब भाई पीछे कुछ ब्रीडिंग बॉक्सेस और ट्रेवल पेजेस भी पड़े हुए हैं, इनके बारे में भी बता दीजिए। वैरायटी आपको मिल जाएगी इस टाइम हमारे पास, लकड़ी के बॉक्स हैं, सीजन है जैसे खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट आप आते हैं तो उस हिसाब से मैं आपको जो है ठीक है जी, इनके थोड़े बॉक्स पड़े हुए हैं इनके बारे में बता दें, ये जो ट्रेवल केजेस हैं ये वाले पड़े हैं, ऑस्ट्रेलियन के बॉक्स हैं, ब्रीडिंग बॉक्सेस बता रहे हैं आप, ब्रीडिंग बॉक्सेस के लिए यूज होता है। इनकी क्या प्राइसेस हैं? 250 रुपए का, ये 250 रुपए का है। और साथ एक पीस पड़ा है फिलहाल, मतलब आपके सामने ये नीचे दिखाया ना, ये साथ ही आपके रखे हुए हैं लॉबर्ट के बॉक्स। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं क्वालिटी के बॉक्स हैं, साइज 750 रुपए का रेट है, 700 रुपए का लॉबर्ट। ये माशाल्लाह से इसके साथ दोनों साइड से इनका है, ये एक साइड से है, दोनों साइड से खुलने वाले, दोनों साइड होते हैं, बैक साइड जो उसके सिंगल होता है, दो साइड होते हैं। सही हो गया, सही हो गया। ये रिंगने का बॉक्स मिल जाएगा आपको, मतलब हर किसी साइड मिल जाएगा, लेकिन जो मेरे पास इस टाइम कुछ पड़े हैं वो मैं आपको चेक करा दूंगा। दोनों तो रेट है 1400 रुपए का फाइनल आपको मिल जाएगा रिंगने का। जबरदस्त हो गया। और फिंचेस के लिए जो पड़े हुए हैं सामने, फिंच का जी है 200 रुपए रेट है, 150 रुपए। ट्रेवल बॉक्सेज जो पड़े हुए हैं, ये ट्रेवल में मुख्तलिफ रेट है, इंच साइज है इसमें, इसमें है सबसे छोटा जो है वो कितने में है? 300 रुपए का, उससे बड़ा 450 और उससे बड़ा जो है 650। ये फाइनल रेट है, जितना हो सके मजीद कर देंगे, वैसे मैंने आपको कम पहले कम बताया। चलिए जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच जय भाई। नंबर भी सेम है जो कि अभी हसन भाई ने बताया था, हसन भाई वाला नंबर। ठीक हो गया, सेम शॉप सेम नंबर, और जजाकल्ला बहुत शुक्रिया। तो ये जी व्यूअर्स, ये थी जी हमारी आज की वीडियो, और कोशिश मैंने पूरी की है कि मैं तकरीबन सारी चीज़ें ही कवर कर लूँ यहाँ पर। तो अहसन भाई थोड़े से मसरूफ थे, तो उनके छोटे भाई से हमने ये सारी चीज़ें पता की हैं, सारे रेट्स पता किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा ख्याल। अस्सलामु अलैकुम।